अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। आप लोग प्लीज ध्रुव जी को कुछ मत कहिए, ये बहुत अच्छे हैं, सच में बहुत अच्छे हैं। मैं तो मरने जा रही थी क्योंकि मैं जिससे प्यार करती हूं उसके बच्चे की मां बनने वाली। लेकिन उसने धक्के मार कर मुझे घर से बाहर भगा दिया। चलो निकलो यहां से। फिर जीकर क्या करती मैं, क्या करती मैं जीकर? इसलिए पुल से इस विश्वास से कूदी थी। अगर मर जाऊंगी तो सब खत्म हो जाएगा, बस मरना चाहती थी मैं। लेकिन पता नहीं अचानक से ध्रुव जी कहां से आ गए और मुझे डूबने से बचा लिया। 3 दिन तक मेरी सेवा करते रहे और बार बार मुझसे ये पूछते रहे कि बता दो उस आदमी का नाम जिसके बच्चे की मां बनने वाली हो, बता दो उसका नाम, वहां तक मैं तुम्हें पहुंचा कराऊंगा। लेकिन कैसे बताती मैं उस आदमी का नाम? कैसे बताती उसका नाम जिसने मुझे धक्के मार कर बाहर फेंक दिया था? ध्रुव जी से मेरी हालत देख ही नहीं गई, इसलिए मेरी मांग में सिंदूर भर के मंगलसूत्र पहनाकर मुझसे शादी कर ली। बाबू साहब सच सच बताइए, क्या किया है आपने हमारी बच्ची के साथ? सुनैना! आंटी जी, सुनैना को कुछ लोग उठा करके लेके गए और नमन उन लोग को पकड़ने के लिए साथ में पीछे पीछे चला गया है। और ये तो दीवाना है इस चिरैया का। ये बात अगर बाबू साहब को पता चले ना, वही इसको गोली मार देंगे। इस हीरो को तो हम ही मारेंगे। ये एपिसोड देखिए यूट्यूब पर शाम 7 बजे। और कहा कि मैं उनके साथ उनके घर चलूं, उनकी दुनिया में। और मैं इतनी टूटी हुई थी, इतनी बिखर गई थी कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मेरी जिंदगी कितने मोड़ ले रही है। बस मुझे इतना समझ में आ रहा था कि ध्रुव जी मेरे पति हैं। धोखा धोखा ध्रुव, धोखा। तू मेरा छोटा भाई है ना, तेरे को बचपन से जानता हूँ मैं। अरे धोखा हमेशा मासूमत की शक्ल में आता है, हमदर्दी की चादर ओढ़े हुए। भैया धोखा तो इनके साथ किया है उस घटिया और नीच इंसान ने, और हमने कसम खाई है हम उसे छोड़ेंगे नहीं। ऐसे इंसान से हमें बहुत नफरत है भैया। पचला से हम बहुत प्यार करेंगे, इनका सहारा बनेंगे, इनके साथ रिश्ता ऐसे निभाएंगे कि अपने सारे गम भूल जाएंगे। हमने पूरी साफ नीयत से इनको अपनी पत्नी माना है। बाबूजी, अम्मा, दीदी, पब्लिक, भैया, भाभी, प्लीज आप सभी से विनती है कि इसमें हमारा साथ दीजिए, प्लीज हमारा साथ दीजिए। आप सब हमारा साथ दीजिए प्लीज, क्योंकि अब हम इनका साथ नहीं छोड़ सकते हैं बाबूजी।
राव जी एक मौका तो दीजिए इन्हें अपनी अच्छाई साबित करने का। ये इतनी अच्छी है कि आप सबको कभी मिली नहीं है, लेकिन हम बताते हैं। लेकिन आप सबके लिए कुछ ना कुछ गिफ्ट लेकर आई हैं। हमसे कहा कि उस परिवार के लोगों से पहली बार मिलने जा रही हूं जिस परिवार में हमारे जैसा इंसान है। प्लीज भाऊजी एक मौका तो दीजिए। ए बचवा चलिए आइए, थोड़ा प्रवचन आप दे दिया, थोड़ा सा सच हम भी आपको बताता। बाऊजी और बाऊजी का सच ये है कि औरत धोखेबाज चालबाज साजिश करने वाली और बहुत तेज है। बाऊजी अभी आप ये सब कहने वाले थे ना, बाकी अभी सबसे बड़ा सच ये है कि इधरू भैया की पत्नी है। पूर्णिमा इस घर की छोटी बहू। और अगर घर का छोटा बेटा इसे ब्याह करके घर आ जाए ना, तो उसकी पत्नी का आरती उतार करके स्वागत करते हैं। तो हम आरती की थाली लेकर के आते हैं। मैं तो मरने जा रही थी क्योंकि मैं जिससे प्यार करती हूं उसके बच्चे की मां बनने वाली। अरे बिटिया रानी ये क्या कर रही हैं आप? अच्छी तरीके से जानती हैं कि वही बच्चला है जो कभी सुधर नहीं सकती। पूर्णिमा जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। अरे इतनी मुश्किल से धक्के मार के उसे घर से बाहर निकाले थे, आप आरती करके उसे घर में वापस कैसे ला सकती है? मत लाइए। और आप ये भी अच्छी तरह जानती हैं कि वो जो बच्चे वाला बात है उस ध्रुव बचवा को उसने फंसाया है बोल के, ये भी झूठ है। बाबूजी हम जानते हैं कैसे कि हम बसला जी से लड़े हैं तो दुश्मन को बहुत ही अच्छे से समझते हैं। हम जानते हैं बसला जी बच्चा वाला बात भी झूठ बोली है, ध्रुव भैया को फंसाई है अपनी बातों में। बाकी बाऊजी दुश्मनी में अपनों को तो नहीं खो सकते ना। वो और अनमोल कहाँ है? अनमोल अपने से अंदर लैब में फंसे हुए और उनके साथ एक छोटा बच्चा भी जिसके हाथ में लोडेड गन है। ये एपिसोड देखिए YouTube पर शाम 7:30 बजे। और आप लोग खुद ही देखे ना कि ध्रुव भैया भी वहां का कह रहे थे कि बसला जी का साथ देंगे, उनको नहीं छोड़ेंगे। तो ई घड़ी उनसे बैर लेना ठीक नहीं है। ठीक ई रहेगा कि हम लोग बसला जी को घर के अंदर लेकर आए और फिर एक बार बसला जी घर में आ जाएंगी तो फिर ध्रुव भैया को सबूत के साथ हम लोग सच्चाई दिखाएंगे बसला जी का। हाँ क्यों कैसे ध्रुव भैया का इस्तेमाल किए हैं, उनको धोखा दी है। और ध्रुव भैया को जब पता चलेगा कि बसला जी का सच्चाई का है तो खुद ही बसला जी को जिंदगी से बाहर कर देंगे। पूर्णिमा देखिए बसला को आप जानती हैं, हम जानते हैं, बाऊजी जानते हैं, वो इतनी आसानी से चुप नहीं बैठेगी। बहुत शांति रहे वो, बहुत शांति रहे। हम भी जानते हैं, बाकी ई घड़ी आपके पास कौन और उपाय है, जो मुसीबत पड़ा है कौन उपाय है तब बता दीजिए। ए जी आप खुद ही सोचिए ना, जब बसला जी आपकी जिंदगी में थी तो हम लोग इतना कोशिश किए, इतना प्रयास किए कि बसला जी को आपकी जिंदगी से बाहर कर सके, नहीं ना कर पाए। तब तक जब तक आप खुद बसला जी को अपनी जिंदगी से बाहर नहीं करती, वैसे ही एक दिन आएगा
जब ध्रुव भैया को बसला जी का सच्चाई पता चलेगा, वो खुद बसला जी को अपनी जिंदगी से बाहर कर देंगे। बाकी तब तक हम लोग को इंतजार करना पड़ेगा, तनी धैर्य से काम लेना पड़ेगा। अब चलिए, वहां वो लोग इंतजार कर रहे होंगे, चलिए आरती कर लेते हैं। देखा, हमने कहा था ना, इस घर में सबसे अच्छे भैया भाभी हैं। चाहे कोई हमारा साथ दे या ना दे, लेकिन वो हमेशा हमारे साथ खड़े रहेंगे। और खासकर भाभी, उन पर तो हमें हमेशा से भरोसा था। देखो, आरती की थाल लेकर आ रही है हम दोनों की आरती उतारने के लिए। अब देखिए पूर्णिमा दंगल प्ले पर टीवी से पहले।